मैं कहाँ तक आऊँ? कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। आप तो बोल रहे थे हमसे बात होगा कि नहीं? हम बहुत खुश हैं। पहले बोल रहे थे कि हमसे हिना साहब जी मिलेंगी, हम स्टेज पर जा सकते हैं, क्या आपसे मिली है, बात हुआ है? मिली है, बहुत अच्छा लगा। जो आम पब्लिक है उनको बताइए कि आप डायरेक्ट मिल सकते हैं हिना साहब से? हाँ, जब तक किन समाज है मिल सकते हो हिना साहब से। देखिए मैं आपको मैं सिवान की आवाज जब बनूंगी तो आप सबके लिए भी मैं आवाज बनूंगी। आप लोग विश्वास रखे, मैं एक एक पहलू पे वहाँ पे क्वेश्चन उठाऊंगी, और जितना सबको हक है जीने का उतना आपको भी है। जितने सबको सेवाएं मिलते हैं जी, बिल्कुल मुझे आप इनका सपोर्ट में है ना, दिल से दुआ कर रहे हैं कि सांसद बन जाए। हाँ, मतलब कर बन जाए, जीत जाए। अब आपका क्या कहिएगा, पूरा किन्ना आपके साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया में हर एक आदमी जो ऊपर से आया है नीचे, हर धर्म जाति समुदाय का, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, आप जैसे लोग हो, सभी लोगों का मुझे सहारा और सहयोग मिल रहा है। मैं आवाज सबकी बनूंगी। आपके सपोर्ट में हमारे सिवान जिला का जो किन्नर समाज के लोग जुटे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना, 4 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं, जब आप सांसद बन जाइएगा तो सिवान जिला के जो भी किन्नर समाज के लोग हैं उनके लिए क्या कीजिएगा, इन लोग का यही मांग है पूछना। मैंने आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोग जहाँ रहते हैं, मैं आप लोगों का एक न्यूज देखी थी, आप लोगों के साथ कुछ चाहता हूँ, अगर हमारी 1% बात भी आपको सही लगे तो आप आने वाले 25 तारीख को टेम्पू छापकर जो 13 नंबर पर है ईवीएम के क्रमांक में, जेंडर के लोग हैं एक तरह से, आप आशीर्वाद दे रही हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी हिना साहब के सपोर्ट में हमारे सिवान जिला के जो किन्नर समाज के लोग जुटे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना, 4 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं, जब आप सांसद बन जाइएगा तो सिवान जिला के जो भी किन्नर समाज के लोग हैं उनके लिए क्या कीजिएगा, इन लोग का यही मांग है पूछना। मैंने आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोग जहाँ रहते हैं, मैं आप लोगों का एक न्यूज देखी थी, आप लोगों के साथ कुछ अत्याचार घटना हुआ था लॉकडाउन के पहले, हम लोग का खाने के लिए कुछ नहीं था, सरकार हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया था, इसके कारण हम लोग सड़कों पर उतर गए थे। हाँ, वो हमने देखा था। मैं सिवान की आवाज जब बनूंगी तो आप सबके लिए भी मैं आवाज बनूंगी। आप लोग विश्वास रखे, मैं एक एक पहलू पे वहाँ पे क्वेश्चन उठाऊंगी, और जितना सबको हक है जीने का उतना आपको भी है। जितने सबको सेवाएं मिलते हैं वो आपको भी सेवा चाहिए। सरकार के तरफ से अपील करते हैं लोग कि नए समाज के लोग नौकरी कोई सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी आपको बता दें आप ही के क्षेत्र के जो राजू की नगर भरथोई धनौती का, इनका अभी तक ले घर नहीं मिला, कोई आई कार्ड नहीं बन रहा, बोल रहा है कि ये नहीं होगा, हम मतलब जो बीजेपी की सरकार है थर्ड जेंडर पर खास करके ध्यान नहीं देगा। आप तो निर्दलीय से कि आप जीत जाएंगी तो किन्नर समाज के लिए स्पेशल ऑफर क्या है? इस किन्नर 24 न्यूज के चैनल से बहुत सारे किन्नर समाज के लोग जुड़े हैं, और मैं खास करके आपसे बातचीत करने के लिए घंटों इंतजार किया हूँ। कुछ इस माध्यम से बोलिए कि सिवान जिला के जो भी किन्नर समाज के लोग हैं, हम सांसद बन जाएंगे तो आप लोग के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोग भी मेरा नाम लीजिएगा। बिल्कुल, मेरी आवाज होगी आप लोगों के लिए कि स्पेशली आपको दिल्ली से आप लोगों का हक मिले, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों का रहने का घर नहीं है, वो मैं व्यवस्था करूंगी। अभी भी मैं सक्षम हूँ कि आप लोगों के लिए मैं घर बना सकती हूँ, लेकिन अभी आचार संहिता है, अभी नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव के बाद होगा। लेकिन आपके लिए पूरा सिवान जिला के किन्नर समाज के लोग सपोर्ट में है। जी जी बिल्कुल, मुझे आप इनके सपोर्ट में है ना, दिल से दुआ कर रहे हैं कि सांसद बन जाए। हाँ, मतदान कर बन जाए, जीत जाए। अब आपका क्या कहिएगा,
पूजा किन्ना आपके साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया में हर एक आदमी जो ऊपर से आया है नीचे, हर धर्म जाति समुदाय का, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, आप जैसे लोग हो, सभी लोगों का मुझे सहारा और सहयोग मिल रहा है। मैं आवाज सबकी बनूंगी, आप सबकी बनूंगी। आज आपको एक किन्नर का आशीर्वाद मिला। कहा जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। अब आपको कैसा एहसास हो रहा है? अब आपका भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए, भविष्य मेरा, जो भी भविष्य है मेरा, बहुत अच्छा है, पहले से ही अच्छा है। मैं सिर्फ सिवान की सेवा के लिए हमेशा चुनाव में रहती हूँ। मुझे इस बार लगता है कि इस बार मुझे 110% सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं सभी की आवाज़ बनूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बता दूं, किन्नर 24 न्यूज का रिपोर्टर, इधर आइए थोड़ा, और विकास जी उधर से आइए, तो वन सेकंड सामने आओ जल्दी। मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल से जितने भी किन्नर समाज के लोग, सिवान के लोग जुड़े हैं, सिवान में हर कोने कोने से किन्नर 24 न्यूज के सब्सक्राइबर जो भी लोग हैं, मैं बता दूं, कभी हिना साहब खुद भरथोई के राजू किन्नर के साथ मिलकर बात विचार हुआ और बात विचार भी किए हैं। आपको बात करने से कैसे अच्छा लगा, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। आप तो बोल रही थी हमसे बात होगा कि नहीं? बहुत खुश है। पहले बोल रही थी कि हमसे हिना साहब जी मिलेंगी, हम स्टेज पर जा सकते हैं, क्या आपसे मिली है, बात हुआ है? मिली है, बहुत अच्छा लगा। आम पब्लिक है उनको बताइए कि आप डायरेक्ट मिल सकते हैं हिना साहब से? हाँ, जब तक किन्नर किसी समाज है लो मिल सकते हैं हिना साहब से। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी मैं इधर आइए थोड़ा, इधर के मैं घूमे इधर आइए, मैं आपको बता दूं, अभी हिना साहब के सभा में मैं बैठी थी सानिया किन्नर रिपोर्टर, और हिना साहब से किन्नर 24 न्यूज के माध्यम जो भी किन्नर समाज के लोग, उनको फूल माला और पहना और बात विचार भी हुआ। और इधर घुमाइए, आप देख लीजिए, खास तौर पर थोड़ा साइड हटिए, कि पूरा महिलाएं से लेकर पूरा जेंट्स तक ले लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं हिना साहब जी के स्वागत में। हिना साहब जी के सपोर्ट में है ना आप? सपोर्ट में नहीं, वोट दे। हाँ, वोट दीजिएगा ना। देखिए, सभी लोग वोट दीजिएगा ना हिना साहब को, हिना साहब को वोट दीजिएगा ना। सभी लोग इनके सपोर्ट में है। और सानिया किन्नर की रिपोर्ट, सहलोई बजाय से जय हिंद कैमरा। आगे हम लोग जाओ, उठा जाने दे लो, ज्यादा लोग ना जाए तो कैमरामैन कहाँ गया? कैमरामैन मेरे कहाँ गए? हमारे हीना साहब हाथ चुके हैं, आप लोग कैमरामैन इधर आ, और आप लोग से कैमरामैन चाहता हूँ, ये चुनाव माहौल चल रहा है और चुनाव जो है हमारे मैडम जो है चुनाव नहीं लड़ रही है, निर्दलीय से लग रही है, निर्दलीय से चुनाव लड़ रही है। ये अपनी नाम प्रतिष्ठा के रखते हुए सभी लोग एकजुट होकर के टेम्पू छोड़ के मैडम को चुनाव चिन्ह मिला है। 25 तारीख को आप लोग टेम्पू छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से मानिए मानिए हीरा साहब के दिल्ली भेजने का काम करें। आप लोग से लेना चाहेंगे? हां, बिल्कुल लेना चाहेंगे आप। हां, चल चल हां, ठीक है विकास जी, चलिए। 5 बज गए, ले लीजिए।